लेट ना हो जाओ गुरुद्वारे। हर दिन की शुरुआत हर दिन की मेरी इसी तरह से होगी। यू नो हर साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आता ही है। ओके अब मायरा हमें क्या बताएगी? मायरा अब हमें बताएगी हाय कैसे करते हैं। हाय हाय नहीं नहीं ऐसे नहीं हाय ना लाइक हेलो एवरीवन नमस्ते सत श्री अकाल कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमनवीर कौर सीए एस्पायरेंट एंड मदर ऑफ वन एंड हाफ ईयर ओल्ड डॉटर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 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 न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वाहेगुरु जी मेहर करें थोड़े सारियां ते। जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग्स नहीं देखे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने ये व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की है ताकि मैं अपने जो पूरी जर्नी जो है बागे की सीए की उसे रिकॉर्ड कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आपके अच्छे अच्छे मुझे सजेशंस आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो अभी टाइम हो गया हुआ है 9:50 और मैंने अभी राउंड वन करने ही वाली थी जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही किया था तो हमारा उठ गई और अभी उसको मिल्क शिल्क दे दिया है सब कुछ दे दिया। अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ उसके बाद जो है घर के सारे काम करेंगे तो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। हमारा ने आज कल एक नई चीज़ सीखी हुई है और उसके लिए हमें अपनी हर चीज़ लॉक करनी पड़ती है तो ये देखिए हमने फ्रिज को लॉक किया हुआ है। ये सब मुझे भी साफ करना है। धूप देखिए कितनी सही निकली है आज। कमरा मैंने साफ़ कर लिया है अब बारी है मेरे बाथरूम की। मेरा बाथरूम बहुत गंदा हो गया था
और बच्चे के साथ तो गंदा हो ही जाता है। तो हो गया है मेरा वॉश बेसिन क्लीन। यूजुअली मैं हार्पिक से करती हूँ, इसमें हार्पिक डाल के नहीं रखती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसमें निशान पड़ जाते हैं। उसी टाइम स्पंज में डाल के इसको क्लीन कर देती हूँ, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। सेम गोज विद दिस। इसका जो बाहर का जो ये एरिया होता है ना, ये वाला, इन फ्लैप्स पर मैं कभी भी हार्पिक डाल के नहीं रखती हूँ। इसीलिए नहीं डाल के रखती हूँ क्योंकि मैंने ये देखा निशान नहीं, मैंने एक बार डाला था तो इससे इसके निशान पड़ गए थे और ये फॉर एवर ही रहते हैं, ये कभी क्लीन नहीं होते, तो इसलिए मैं उसी टाइम स्पंज में डाल के इसको क्लीन अप कर लेती हूँ और हो गया ऑल क्लीन। आज केड़ी दाल बनानी है, केड़ी दाल दियो दियो। अच्छा मूंगी की दाल बनानी है अज, पर इतनी बड़ी घट है मेरा, कोई और दो, कोई दूसरी वाली दे दो। और दूसरा अच्छा ये बनावा फिर ये बनाओ, आपने तो पकड़ाया। शॉपिंग की है और मैंने घर का सामान भी लिया है, अपने लिए भी कपड़े लिए हैं, हमारे के लिए लिया है, सब कुछ बताती हूँ आपको। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो फर्स्ट थिंग सी, ये जूट का है, ये मैंने लिया है कि मैं अपने फ्रिज के ऊपर इसको रखूंगी ताकि फ्रिज इससे साफ लगे। कौन आ गया? हगी, मारा वन हगी, मारा वन हगी।
सो ये लो, इससे मेरा फ्रिज बहुत साफ लगेगा। इसके ये मैंने फ्रिज के ऊपर रखना है और ये जूट का है और बहुत अच्छा। सेकेंड थिंग मैंने लिया है रग, और ये रग मैंने लिया है बाथरूम के लिए। मेरा बाथ एरिया अलग है, टॉयलेट का अलग है, और जब नहा धो के हम निकलते हैं तो टॉयलेट एरिया भी उससे गीला हो जाता है, जिस वजह से मुझे इतनी सी जगह साफ करने के बजाय मुझे पूरा बाथरूम साफ करना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए बाथ रख लिया है। हमारा हगी ये देखो, वो देखो वहां पे डुम डुम लिख लिख रही हूँ। क्योंकि मेरा बाथरूम ब्राउन कलर का है तो मुझे लगा कि मुझे इसी कलर में लेना चाहिए तो अच्छा लगेगा। ओके, तो थर्ड थिंग जो मैंने ली है वो है मेरी एक बेडशीट ली है, वार्म बेडशीट, और ये है उसके कुशन कवर्स। हैव अ क्लोज लुक, अच्छी है ना। ये बहुत गर्म चादर है और कॉस्टली भी है। जब पैसे देने पड़ते हैं इतनी मौत पड़ती है ना, पर चीज़ बहुत अच्छी है। ये देखो बेडशीट पूरी प्लेन, यू नो, और मुझे बहुत टाइम से ऐसे ही चाहिए थी। इसमें और भी कलर्स थे, मुझे यही अच्छा लगा। वैसे इसमें ब्राउन कलर भी था, ऑफ वाइट भी था, बहुत अच्छे कलर्स थे, मुझे यही अच्छा लगा। यू नो, डार्क कलर्स अच्छे लगते मुझे। ओके, तो ये लिया है मैंने घर का सामान। नहीं, मैंने कोई चीज़ ली थी, आई थिंक वो मम्मा ले गए। तो ये था मेरा घर का सामान। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अमायरा के लिए क्या लिया। शट अप, सी दिस, ये ट्रैक सूट लिया मैंने उसके लिए। अमायरा, डोंट यू डेयर टच, टच नहीं करना उसको। यहाँ मम्मा के पास बैठो, ऐसे मम्मा के पास बैठो, यहाँ पे बस। और ये देखो, ये इसकी ट्रैक पैंट है। अच्छी बात है, मामा पाच, अच्छा मामा पाच, ये सी दिस, अच्छी है ना। ये इसका ट्रैक सूट लिया मैंने एक। इनके जितने कपड़े लो हमेशा ही थोड़ जाते हैं मेरे को। थोड़ जाना एक पंजाबी वर्ड है, मींस कम पड़ जाते हैं। और ये देखो, हेलो किटी की फ्रॉक, फॉर माय किटी। नाइस ना। इसको मैं स्टॉकिंग के साथ इसकी पेयर अप करूंगी, और बहुत गर्म है, इसके पास बहुत स्टॉकिंग्स हैं तो क्या। ये देखो, लुक एट दैट, अच्छी है ना। ये भी मैं स्टॉकिंग्स के साथ पेयर अप करूंगी। अभी मैंने कपड़े लिए ना, अभी फिर मुझे हफ्ते बाद देखना, हाँ इसके पास कपड़े ही नहीं है, ऐसे तो भाई मारती है कपड़ों की। ये देखो, ये इसके लिए एक नाइट सूट लाया है। ये इतना भी, ये जस्ट मैंने लाया है कि जब मैं कुछ स्वेटर्स वगैरह उसको पहनाऊंगी, उसके अंदर एक नाइट सूट पहनाऊंगी। तो ये उसकी शर्ट है। आउच 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 हाथ है। और ये उसका है ट्राउजर। ये जस्ट वार्म, ये ठंड से बचाने में इतना वो नहीं है, मोटा नहीं है इतना। ये और इसके लिए ये स्लीवलेस
एक जैकेट चाहिए थी। सारे कपड़े बनाने के बाद ये हम उसके ऊपर उसको बना देंगे तो बच्चा एकदम उसकी छाती गर्म रहती है। तो और यूजुअली ना स्लीवलेस ही अच्छा लगता है क्योंकि आपने उसको इतने बच्चों को कपड़े बना दिए होते हैं तो उसके लिए बेटर यही होता है कि जब पूरे कपड़े आप पहना दो उसके ऊपर ये स्लीवलेस गर्म जैकेट उन्हें आप पहना दो, हाफ स्लीव बिल्कुल स्लीवलेस है ये। इससे क्या होता है कि बच्चे की छाती भी गर्म रहती है। ठंड में बच्चे की छाती बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगी ठंड में तो बहुत मुश्किल होता है, ये सबसे गंदी इन्फेक्शन होती है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उनके चेस्ट को ठंड से बचाएं। तो जब इतने सारे कपड़े बच्चे ने अंदर पहने होते हैं, अभी भी इसने 3 लेयर्स ऑफ ड्रेसेस पहनी हुई है, अब उसके ऊपर मैं इसको ये अगर स्लीव्स होंगी ना तो ये जैकेट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसकी ये स्लीवलेस है ये पहना के, इससे क्या होता है इसकी छाती भी गर्म रहेगी और ये भी खुश रहेगी। जब भी आप बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं ना तो ये भी देखना चाहिए कि इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं। तो ये थी बच्चे की शॉपिंग। मेरी बारी। अच्छा हाँ, ये देखो ट्राउजर, इसके लिए ये मैंने ट्राउजर्स भी लाए थे, गर्म ट्राउजर्स हैं ये। एक मैंने इसको पहना दिया है, सी हमारा स्टॉप इट, एक इसको मैंने पहना दिया है ये देखो, और ये हो गया। अब मैं दिखाऊंगी हमने अपने लिए क्या शॉपिंग की। हट, ये गंदी वाली करनी ऐसे बात मामा आज इतनी शरारती है ना, बाय गॉड। तो अब हम अपना बताएंगे आपको तो और अब मैं बताऊंगी, ये देखो ये कैसा नाइट सूट है, बहुत गर्म है ये। ये मैंने मामा के लिए लिया है और ट्राउजर ये देखो बहुत गर्म है ये। और मम्मा तो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं ना लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं अपने लिए कुछ भी लेती हूँ मैं हमेशा उनके लिए भी लेती हूँ, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। कैमरे को ना हाथ में पकड़ना पड़ेगा आज मुझे। सेकेंड, ओ सी मायरा के पास भी टॉयज हैं अच्छे वाले। ओके, थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो ये है मेरा वाला नाइट सूट, मैंने अपने लिए एक्सेल लिया है। और मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मेरी वेइंग मशीन ख़राब हो गई थी और उसके मैंने बहुत कुछ दिनों के लिए ख़राब थी, वो तो मैंने ठीक करवाई आज। एंड मुझे लग रहा था कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन कितना हुआ ये मुझे नहीं पता। और मेरा वेट 2 kgs लूज हो गया है, मेरा 70 kg था तो मेरा 68 हो गया हुआ है। मेरा टारगेट है 62, उससे कम मैं करना नहीं चाहती लेकिन 62 तक मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई यार, मैंने सीरियसली मतलब डिफाइन लुक ये देखो मेरा है ना नाइट सूट। शर्ट ये है इसकी, ये इसका ब्लैक कलर का ट्राउजर है, सी बहुत अच्छा है। तो ये थी हमारी अब तक की शॉपिंग, और तो नहीं कुछ ही लिया। तो यही थी हमारी आज की शॉपिंग, अब हो गया है चाय का टाइम, चाय पीते हैं। Thank you.
पहला दिन है, हम दोनों ने देखो नई नई ड्रेसेस पहनी है। ये देखो, ये देखो मम्मा की ड्रेस। हाँ, सारा काम मैंने कर लिया है, खाना मैंने बना लिया है। मैंने आपको कहा था आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी, खीर बना ली है। हाँ, बस अब मेरी बेटी के सोने का टाइम है। खाना बनाने के साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि मुझे एक मेरी में बहुत बड़ी कमी कह सकते हो या अच्छाई कह सकते हो, मुझे किचन गंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे उसमें ऐसी किचन्स में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो गंदी हो, इसलिए जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो साथ साथ ही किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और यही चीज़ अच्छी रहती है, काम करने का भी मन करता है, साफ़ किचन, हेल्दी किचन हो, हाइजीनिक किचन हो तो बहुत मज़ा आता है काम करने का। तो मैंने किचन इसीलिए साथ साथ ही साफ़ कर ली थी। अब इसका सोने का टाइम हो रहा है और इसको मैं सुलाऊंगी। बस दूध इसका मम्मी ला रहे हैं, शी विल बी स्लीपिंग इन एनी मिनट। सो अभी 10 बज रहे हैं, अमायरा सो गई है तो अब मैं भी सोने वाली हूँ। नानी और का आज पहला दिन है और वो बहुत ही मेरा हेक्टिक था और बहुत ही अच्छा था। एंड तो इसी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आई एम गोना एंड माई व्लॉग। एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल एंड डोंट फॉरगेट टू बी हैप्पी ऑलवेज। स्टे एट होम, स्टे सेफ। You